नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, इस वक्त मैं सेंटेंस हाई स्कूल पटना सिटी में, आज रोटरी क्लब ऑफ पटना सिटी के संयुक्त तत्वावधान में एक बेहतर कार्य किए हैं। वजह है वृक्षारोपण। वैसे भी देखा जाता है तो लगातार आए दिन पेड़ों की कटाई हो रही है, ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो गई है। छाँ जिनके लोग इंतज़ार करते हैं छाँ में रहने के लिए, उनको अब नामुमकिन हो गई। एक बेहतर मैसेज देने का कार्य किया यहाँ के तमाम लोग, जो देखिएगा तो बच्चे बच्चियाँ लोग ग्रीन टी शर्ट के समझ के आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी छोटे छोटे पेड़ पौधा है यहाँ पर। और ये तमाम लोग जितने भी बच्चे बच्चियाँ स्कूल के हैं यहाँ पर, खुद लोग नुक्कड़ नाटक भी है और ये तमाम तरह का एक मैसेज देने का कार्य किया जा रहा है। हम तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाएंगे। Thank you.
जी हाँ, विद्यालय में आज पौधा वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे रोटरी पटना सिटी के अध्यक्ष, सचिव और एवं फेलो रोटेरियंस उपस्थित थे, और यह कार्यक्रम बच्चों का था और हमने बच्चों के बीच एक जागरण की कि बच्चे जो है पेड़ लगाएं और इस पृथ्वी को बचाएं। बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में जो पृथ्वी की स्थिति है, जो मौसम का स्थिति है, बहुत गड़बड़ चल रहा है और हम लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। साथ में कई तरह की बीमारियां हो रही है, तो इससे अवगत करने के लिए हमने बच्चों के बीच पेड़ लगाने का कार्यक्रम को रखा, और हमें पूरी आशा है कि हर बच्चा एक पेड़ अपने घर में ज़रूर लगाएगा। धन्यवाद। जी हाँ सर, मैं रोटरी क्लब की तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने इतने ही जोश व खरोश के साथ अपना ये ट्री प्लांटेशन, जो कि गो ग्रीन की मुहिम के तहत चल रहा है, हमारे स्कूल में उसका आयोजन किया, और सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और एक बहुत ही अच्छे मकसद के साथ वह सब घर जाएंगे कि अपने घरों में ज़रूर एक ना एक पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं, और अपने माँ बाप को भी इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह रोटरी क्लब ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके हमारे स्कूल में इतने सारे वृक्ष का रोपण किया। धन्यवाद सर। मेरा नाम जुगनू है, मैं इस स्कूल की कोऑर्डिनेटर हूँ। आप मैम बताइए। मैं भी यही कहना चाहूँ कि हमको अपने पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का को लगाना चाहिए, ताकि इस जो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो हो चुका है उससे हम अपने पृथ्वी को बचा सकें। मेरा नाम सादिया हुआ, मैं इस स्कूल की एक्टिविटी इंचार्ज। धन्यवाद। ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम था रोटरी क्लब पटना सिटी के द्वारा, जो सेंटेंस में किया गया, और आज के कार्यक्रम के कन्वेनर थे एडवर्ड अल्फोंस, रोटेरियन एडवर्ड अल्फोंस। और सबसे अच्छी बात थी कि इस कार्यक्रम में हमारे अधिक से अधिक रोटेरियंस यहाँ मौजूद थे, और हमारे असिस्टेंट गवर्नर तोड़ी जी भी यहाँ मौजूद थे, और बच्चों ने जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो एक संदेश देने का कार्य किया, वो अपने आप में बहुत ही सारे समाज के लिए एक मैसेज देने का काम किया, और उन्होंने जो गीत का प्रस्तुति भी किया उसका भी यही तात्पर्य था कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं। हम बात होता नहीं है, पेड़ लगाना चाहिए। हाँ, सभी को लगाना चाहिए ना। Say, हाँ, say boys. हाँ, लगाना चाहिए और अपने धरती को बचाना चाहिए। क्या फुटबॉल खेलने के लिए आया हो? नो सर। किस लिए आया? ग्रीन एनवायरनमेंट डे पे आया हूँ। अच्छा, क्या? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का सेलिब्रेशन पूरे धरती को बचाने के लिए, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन सब प्राप्त करने के लिए। तुम बोलो के लिए और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। ये रोटरी क्लब और पटना सिटी और खासकर स्कूल के बच्चे बच्चियों द्वारा नाटक के माध्यम से एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है, और देखा जाता है कि आए दिन पेड़ पौधे की कटाई धड़ल्ले से हो रही है, उसको रोकना जरूरी है। कम से कम एक पेड़ आप अपने घरों में जरूर लगाएं, और ऐसे ही ऑक्सीजन मिलते रहेगा, साथ में देश को बचाने में आपका सहयोग होना बहुत जरूरी है। SSI2 आप देखते रहिए। जय हिंद।